राखी सावंत दुनिया की दिखावे के लिए भले ही रुवीना अभिनव की जोड़ी को लेकर दुआएं करती हूँ, लेकिन असल में वो रुवीना से बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं। राखी को पता है कि रुवीना दिलायक ही विनर बनेगी, ऐसे में वो उनसे बहुत प्यार से पेश आ रही है और अंदर ही अंदर उन पर बार करती जा रही है। राखी की नफरत वहां भी दिखी जब गुब्बारे फोड़ने वाला टास्क दिया गया, उसमें राखी ने बड़ी चालाकी से रुवीना को हरवा दिया, उन्हें जीतने नहीं दिया। दरअसल गुब्बारे वाले टास्क में बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट को गुब्बारे वाली बेल्ट बांधने को देते हैं। बारी बारी से सभी कंटेस्टेंट बाकी कंटेस्टेंट के बेल्ट के गुब्बारे फोड़ते हैं। अंत में जिसकी बेल्ट में ज्यादा गुब्बारे बचे होते हैं वही टास्क का विनर बनेगा और विनर को बीवी मॉल की किसी भी चीज का लेने का हक मिल जाता है। ऐसे में निक्की सबसे पहले राखी पर अटैक करती है और वो राखी के सारे गुब्बारे फोड़ देती है। उसके बाद निक्की रुवीना के फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे पहले राहुल ओली के गुब्बारों को फोड़ती है ताकि रुवीना बाद में बच जाए और वो विनर बन जाए। लेकिन राखी जानबूझकर राहुल से रुवीना के गुब्बारे फोड़वा देती है। रुवीना अपने गुब्बारे बचाने के लिए भाग रही होती हैं, तभी राखी रुवीना को पकड़ लेती हैं और राहुल उनके गुब्बारे फोड़ देते हैं। इस बीच राखी रुवीना पूल के साइड में खड़े होते दिखाई दिए। दोनों इस तरह से भागा दौड़ी करते हैं कि किसी के भी नीचे गिरने का डर भी लगा रहता है। खैर रुवीना उस वक्त गुस्सा तो नहीं होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर राखी से चिढ़ने लगी है, क्योंकि राखी ने पहले उनसे कहा कि रुवीना भाग और बाद में खुद उसी को पकड़कर उनके गुब्बारे फुड़वा दिए और उसके बाद एलिगोनी इस टास्क के विनर बन जाते हैं। एली को बीबी मॉल का कोई भी सामान लेने का हक मिल जाता है। मैं आपको बता दें फिनाले में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, आप भी अपनी राय बदल सकते हैं। रुवीना राखी में किसे विनर बनाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राखी सावंत फिनाले तक पहुंच जाएंगी। इतना ही नहीं, अब तो राखी सावंत ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए निक्की को भी आउट करवा दिया। जी हाँ, घर के अंदर 5 लोगों में राखी, रुवीना, राहुल, अली और निक्की बाकी हैं, जिसमें निक्की आज अपने घर चली जाएंगी और टॉप 4 में राखी अपना नाम लिख लेंगी। अब लोगों को उम्मीद है कि राखी विनर तक भी पहुंच जाएंगी। बिग बॉस 14 की ट्रॉफी राखी के हाथ में ही होगी, वो लोगों को आखिरी वक्त पर झटका दे सकती हैं। जी हाँ, जिस तरह से शो और सलमान राखी का शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, उनका एक अलग ही चेहरा दिखाते आए हैं, वो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि राखी ही विनर बनेगी। और अब तो कई स्टार्स भी राखी को विनर बनाने की मांग उठाने लगे हैं। काम्या पंजाबी ने राखी को विनर बनाने की बात कही है। रुवीना तो खुद खुली धमकी दे चुकी है कि राखी इतना गंदा काम कर रही थी। उसके बाद भी शो और सलमान राखी का सपोर्ट करते दिखे, जिस पर रुवीना अभिनव ने गुस्सा भी जताया था कि अगर हमारे देश में ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट कहा जाता है तो अच्छा ही है, लेकिन मैं ऐसे एंटरटेनमेंट पर थूकती हूँ। लेकिन जब रुवीना अकेली पड़ी तो उन्होंने भी बिग बॉस के आगे हाथ जोड़कर कहा कि देश की जनता राखी का सपोर्ट करे। बेशक रुवीना यहाँ दिखावा कर रही हो, लेकिन दिल से वो राखी से बहुत नफरत करती हैं। शायद इसलिए आखिरी वक्त पर राखी से वो खूब मीठ माठ कर रही हैं। उन्होंने अपना खाना तक राखी को दे दिया और खुद भूखी रही। बीते एपिसोड में आपने देखा होगा रुवीना राखी से कहती हैं कि मेरा खाना रख है और तुम खा लो। अब इतनी मीठी मीठी बातें क्यों हो रही हैं वो तो आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि रुवीना को भी कहीं शक हो रहा है कि राखी विनर बन सकती है। इसलिए रुवीना राखी को अपने हाथों में ले रही हैं और उनसे मीठ भी बातें कर रही हैं। काम्या पंजाबी ने भी कहा, भले ही बिग बॉस 14 का विनर कोई और बने, लेकिन ये शो राखी के नाम ही रहा, क्योंकि राखी ने जितना एंटरटेनमेंट किया है उतना कोई नहीं कर पाया। राखी ने लोगों को खूब हंसाया, विनर राखी को ही बनना चाहिए। लोग भी काम्या के ट्वीट का सपोर्ट करते दिखे। वैसे आपको क्या लगता है, राखी को विनर बनना चाहिए? क्या आप राखी को विनर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो उनकी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनके लिए कमेंट जरूर करें। बिग बॉस 14 के घर में राखी सावंत और रुवीना दिलायक के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। लगता है इस लड़ाई में रुवीना दिलायक का महंगा मेकअप प्लेस टूट गया। शो में राखी सावंत बिना डिजाइनर की हैं, उन्हें निक्की ने अपना सामान यूज करने के लिए दिया। इस लड़ाई में राखी ने रुवीना का इम्पोर्टेंट मेकअप प्लेस तो तोड़ा ही, साथ ही निक्की के सामान को भी नुकसान पहुँचा दिया।
राखी और रुवीना के बीच की लड़ाई में मेकअप के सामान को काफी नुकसान पहुंचा। अपना पसंदीदा कीमती सामान टूटने के कारण रुवीना बहुत ज्यादा रोती देखी गई। गुस्सा होकर निक्की ने भी राखी को उधार दिया, अपना मेकअप का सामान तोड़ दिया। रुवीना दिलायक एक कोने में खड़ी होकर रोने लगी। रुवीना को लेकर दावोलीना और राखी ने कई बार किए, जिसकी वजह से रुवीना बेहद उदास दिखी। हाल ही में रुवीना ने दावोलीना और राखी पर पॉपुलरिटी पाने के लिए झूठी कहानी करने का आरोप लगाया था। इसी पर गुस्सा होकर दोनों ने रुवीना को जमकर सुनाया। दोनों ने कहा कि रुवीना केवल अपने इमोशंस के बारे में सोचती है, बाकी की भावनाओं के बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब राहुल वैद्या ने भी अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमाल को राखी के लिए कुछ मेकअप का सामान अरेंज करने को बोला। राहुल ने कहा कि राखी ने शो पर उनकी बहुत मदद की है। इससे पहले विकास गुप्ता की टीम राखी के लिए ज्वेलरी लाई थी और अब राहुल की टीम राखी के लिए कुछ मेकअप का सामान लाने वाली है। तो राखी की दोस्ती को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। राखी सावंत भले ही बाहर से बहुत मजबूत दिखती हो, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूटी हुई है, जख्मी दर्द से भरी हुई है। दुख की बात यही है कि उनका दुख कोई सुनने वाला नहीं है और उन्हें सहारा देने वाला नहीं है। राखी की माँ के बाद राखी के पति ही उनके सब कुछ थे, लेकिन अब पति की खबर ने राखी का सुख चैन सब छीन लिया है। जैसे ही राखी को बिग बॉस ने उनके पति की खबर सुनाई, वो बुरी तरह टूट गई और रोते रोते बेहोश हो गई। वहीं बिग बॉस ने उनके परिवार की ऐसी हालत में उनसे बाहर जाने को पूछा। खबरें तो ऐसी भी हैं कि राखी अपनी मां के लाश की खबर सुनकर बिग बॉस को नहीं छोड़ पाई थी, लेकिन पति की खबर से वो अब एक मिनट भी बिग बॉस के घर में नहीं रह पाएंगी और किसी भी वक्त वो बिग बॉस से बाहर हो जाएंगी और अपने घर चली जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपने परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप इस वक्त देख ही रहे होंगे कि जो राखी बिग बॉस 14 के घर में अभिनव और रुवीना के सबसे करीब थी, वही राखी अभिनव से दूर हो चुकी हैं। राखी अभिनव के जरिए खूब एंटरटेन कर रही थी, उन्हें फ्लर्ट करना, उन पर लाइन मारना, लोगों को राखी का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा था। लेकिन बीते कुछ दिनों से राखी की अभिनव रुवीना से लड़ाई हो गई, जिस एंटरटेन से राखी और अभिनव रुवीना दोनों को फायदा मिल रहा था, अब वही एंटरटेन इन तीनों की जिंदगी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इसके बाद राखी और अभिनव में गहरी नफरत देखी जा रही है, दोनों एक दूसरे का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अभिनव भी राखी को खुले शब्दों में बोल चुके हैं कि ऐसी फेक औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी और मेरे से दूर रहना। वही रुवीना ने तो हद ही पार कर दी, रुवीना तो राखी की गंदी हरकतों पर उन पर बाल्टी भर पानी फेंक दिया। राखी खड़ी रही और वो अकेले में बहुत रोती है। यहाँ लड़ाई तो राखी रुवीना अभिनव से हुई थी, लेकिन उनके दिल में दर्द उनके पति का है।